के एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जियाऊं और सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। और जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आधी वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था उस कथा को पूरा सुनना था कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। राधा रानी पाप को छिन्न कर देती है। उस क्लिपिंग को पूरा तो बताया नहीं, उसमें से काट कर हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें दूसरा उस सब्जेक्ट को वही की वही फेस लगाकर वही की वही वाणी लगाकर उसको काट काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। मेरा साधुता है पूरे ब्रज भूमि के संतों को साधुओं को राधा रानी के चरणों को, जिस दिन आऊं उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी देहली की मैं झाड़ू लगाता फिरूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी माँ है वो। पर जो गलत राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही जो विधर्मी जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम कर